राजस्थान में पहला चरण की 12 सीटों पर हुआ मतदान से पार्टियां की अर्धवार्षिक परीक्षा तो हुईगी, अब 26 में वार्षिक होना बाकी है और खुदरी स्थिति रो एक मोटो मोटो अंदाजो जिया स्टूडेंट ने अर्धवार्षिक परीक्षा में लाग जिया करे बिया ही पार्टियां ने भी पहला चरण का वोटिंग प्रतिशत कुछ हद तक तो अंदाजो लाग ही रियो है और स्टूडेंट जिया सारा पार्टियां का नेता भी बोल रिया है कि पेपर तो बढ़िया ही हुयो है। तो भाई पेपर तो सबरो बढ़िया ही हुए है पर मायने राखे कि रिजल्ट क्या को आवे। सीएम भजनलाल तो अभी से 25 आउट ऑफ 25 रो दावो कर रिया है जबकि दूसरा चरण की 13 सीटा पर अभी मतदान होनो बाकी है। जय स्टूडेंट खुदरा दोस्तों के सामने बोल दिया करे ना कि पेपर एकदम झकास हुयो है बिया ही नेता तो खुदरी प्रतिक्रिया दे दी पर घर आया बाद में स्टूडेंट ने पापा मम्मी या बड़ा भाई बहन पेपर का एक दो सवाल पूछे और बारो जवाब गलत मिल जावे। बिया ही राजनीतिक जानकार भी वोटिंग प्रतिशत में हुआ उतार चढ़ाव एक मोटा मोटी आंकलन करे तो भी आंकलन के आधार पर देखा कि कुन ने फायदो और कुन ने नुकसान होने की संभावना है। नमस्कार, आप देख रहे हो झलको राजस्थान, मैं नंदिता आपरे साथ। राजस्थान में पहला चरण की 12 सीटा पर 57.87% मतदान हुयो जिसमें 57.26% ईवीएम और 0.61% पोस्टल बैलेट हुयो। अब 12 सीटा की तुलना 2009, 2014, 2019 करा तो रोचक तस्वीर सामने आ रही है। 2009 में 12 सीटा पर वोटिंग प्रतिशत 48.12 रियो, 2014 में मतदान 13% अधिक बढ़कर 61.66% हुयो। साल 2019 में आंकड़ों थोड़ो और बढ़कर 63.71% तक चले गयो, इस बार आंकड़ों 57.87% ही रह गयो यानी 2019 के मुकाबले में करीब 5.84% कम। एक बार तस्वीर के साथ समझा कि काई स्थिति बन रही है। जी हाँ, आप स्क्रीन पर तस्वीर देख पा रहे हो, टेबल के अनुसार आप समझ बात कोशिश करा तो 2014, 2019 और 24 का डाटा है, बैंक को अब तुलनात्मक अध्ययन कर लिया। जयपुर की बात करा तो 2019 में 68.11% मतदान हुयो और बात अभी की करा 2024 में तो 62.87 यानी -5.24% की कमी आई। अब श्रीगंगानगर की बात करें क्योंकि श्रीगंगानगर में इस बार जो है सबसे ज्यादा 12 सीटों मतदान बटे हुए है तो अभी हुए है बटे 65.64 जबकि 2019 में 74.39% हुए है यानी -8.75% की कमी आई है। ऑल ओवर औसत देख लिया तो 2019 में हो 63.71 और जियांग में भी आपने बताई 2024 में है 57.87 यानी -5.84% की औसत में भी कमी आई। तो इस बार जो प्रतिशत में कमी आई है आप देख पा रहे हो कि मतदान में है जो 12 सीटा में जो पहला चरण का मतदान हुआ है वहां में कमी आई है और इस वजह हुई जो है समीकरण बन रहा है जो आपके साथ में साझा करवा वाला। अब एक नजर पिछला 5 साल का आंकड़ा पर डाला और देखा कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुए तो कौन सी पार्टी ने फायदे हुए और मतदान प्रतिशत में गिरावट हुए तो कौन सी पार्टी ने फायदे हुए। जहां कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि 1999 की अब बात करें तो 1999 में 53.34% मतदान हुए बट ही 2004 में 49.6% यानी 1999 की कंपेरिजन में 2004 में मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई तो अट कांग्रेस की सरकार बनी ही जबकि 1999 में बीजेपी की सरकार बनी ही और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने हा। आगे चला 2009 पर तो 2009 में 48.44% जो है मतदान हुयो यानी कि 2004 में भी 2009 में तुलना करा तो 2009 में प्रतिशत में कमी आई है और 2009 में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। 2014 में ध्यान के आप देख पा रहे हो मतदान प्रतिशत 63.02% यानी 2009 की तुलना में काफी बढ़ गयो और जो सरकार बनी ही भाजपा की बनी ही यानी 2019 में 66.37% को मतदान हुए हो और भाजपा की सरकार बनी ही। तो मोटा मोटी अंदाजा मैं समझा तो जब भी मतदान प्रतिशत बढ़े है तो भाजपा की सरकार बने हैं और मतदान प्रतिशत में गिरावट आवे तो कांग्रेस की सरकार बने हैं। हालांकि बात आए तो पूरे 25 सीटों की अभी जो मैं आपने सारणी दिखाई पूरी 25 सीटों की मत प्रतिशत की देखी और अभी जो है 2024 की बात करा तो 12 सीटों के मतदान किए, 13 सीटों पर भी वोटिंग होने बाकी है तो हो सके स्थिति बदल जाए पर पहला चरण में मतदान प्रतिशत कम हुआ से कौन सी पार्टी के लिए वो चिंता को विषय बन रखियो है वो देखा। आमतौर पर राजस्थान में परसेप्शन है कि वोटिंग प्रतिशत घटे तो कांग्रेस ने जो है फायदा हो जाया करे
और वोटिंग प्रतिशत बढ़े तो भाजपा ने फायदे मिले। इस स्थिति में इस बार पहला चरण की सीटों पर जो वोटिंग हुई है कमी है तो वो भाजपा ने सोचने पर मजबूर कर दिए। हालांकि सवाल वो भी है कि पहला चरण में कम वोटिंग हुआ भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर में कितना अंतर रहसी, क्योंकि सीट रे जीत हार को असल खेल वोट शेयर आंकड़ा में छिपे रहे। 2014 और 2019 रा लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का वोट शेयर में करीब 24% रो अंतर रियो। इस कारण कांग्रेस पिछला दो बार जीरो पर अटकी है। इस बार पहला चरण में हुई कम वोटिंग कांग्रेस में कुछ आस जागी है। बात 2009 री करा तो 2009 में कांग्रेस ने राजस्थान में वोट शेयर जो मिले हो वो भी आप स्क्रीन पे देखो कि कांग्रेस को वोट शेयर हो 47.19% और भाजपा को वोट शेयर हो 36.57%। और 2009 में कांग्रेस के खाता में 20 सीट गई ही और भाजपा का खाता में 4 सीट गई ही। एक जो सीट ही दोसा की बट निर्दलीय के खाता में गई ही, जब किरोड़ी लाल मीणा निर्दलीय चुनाव लड़िया हा दोसा। 2014 की बात करें तो 2014 में मोदी लहर के कारण प्रदेश में भाजपा रो वोट शेयर करीब 20% तक बढ़ गयो। फोटो के साथ समझान तो कांग्रेस ने 2014 में 0 सीट मिली है और वोट शेयर की बात करा तो 30.73% हो और भाजपा के वोट शेयर की बात करा तो 55.61% रही हो और सभी 25 सीट आप भाजपा जीत की। मुद्दा का असर ने देखा तो यूपीए सरकार का घोटाला, बढ़ती महंगाई और आतंकियों के प्रति सख्त रवैया नहीं हुनो जिया का मुद्दा ने भाजपा जोर शोर उठाया। जारो असर राजस्थान के साथ साथ देश रा हर प्रदेश में देखने ने मिलो। गुजरात में 15 साल लगातार सरकार चलावा वाला हिंदुवादी छवि का नेता नरेंद्र मोदी का पूरे देश में लहर ही। भाजपा माने प्रधानमंत्री पद रो चेहरो बनाया। राजस्थान में भी नरेंद्र मोदी की यान री आंधी ही की कांग्रेस रा प्रभावशाली नेता में शामिल तत्कालीन सांसद सचिन पायलट जियारा नेता भी खुद भी सीट नहीं बचा पाया। अब चाला 2019 पर और 2019 की बात करा तो 2019 में भाजपा और कांग्रेस दोनों का वोट शेयर बढ़िया है। भाजपा 3% की बढ़ोतरी के साथ में 59.07% वोट शेयर हा और कांग्रेस का हाथ 34.5% वोट शेयर। और बी टाइम भी कांग्रेस ने जो है एक भी सीट नहीं मिली, जबकि भाजपा के खाता में फिर से 25 की 25 सीटा गई ही। नागौर सीट जो ही भाजपा से गठबंधन करके आरएलपी हा वे बड़ उम्मीदवार लड़िया हा और 2% वोट के साथ में आरएलपी जो है राजस्थान की नागौर सीट जीती ही। तो कांग्रेस 4% की बढ़ोतरी के साथ में 34.5% वोट शेयर हासिल करा हा। हालांकि वोट शेयर के बीच भारी अंतर हुआ के कारण भाजपा ने दूसरी बार फिर से 25 सीटा पर जीत मिली ही। मुद्दा की बात करा तो 2018 का जो विधानसभा चुनाव हा बामे तो राजस्थान की जनता भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार ने खारिज कर कांग्रेस ने कमान सौंप दी। बेरोजगारी जिया का स्थानीय मुद्दा विधानसभा चुनाव में भाजपा पर भारी पड़ा हा। पर 2019 का लोकसभा चुनाव आता आता देश में पुलवामा हमला के बाद अलग माहौल बन गयो और पुलवामा के बदला में जो एयर स्ट्राइक करी गई ही भारत की तरफ तो भी एयर स्ट्राइक को यान रो माहौल बनो कि राजस्थान में एक बार फिर 25 सीटा भाजपा के खाता में गई। 2024 की बात करा तो 2024 में राम मंदिर निर्माण और धारा 370 के साथ ही विदेश में पीएम मोदी और भारत को डंको बाजे मुद्दा के साथ बीजेपी मैदान में है। तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी का मुद्दा पर बीजेपी ने घेर रही है। इलियो देखनो काफी दिलचस्प है कि जनता राम मंदिर मुद्दा के चलता मरुधरा ने भगवा रंग में रंग कर कमल खिलाई या फिर महंगाई बेरोजगारी ने देख कर हाथ पर विश्वास जताए। मतदान प्रतिशत और मुद्दा का असर की बात करता हुआ पिछला लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव जो अभी तक 12 सीटा पर हुआ है मगर तुलनात्मक रिपोर्ट देखी आपने कई लाग रही है कमेंट में लिखकर जरूर बताई जो, क्योंकि दर्शकारी राय माने लिए काफी मायने रखे। राजस्थान री खबरा आप री खुद री भाषा राजस्थानी में देखने रे लिए सब्सक्राइब करो सिर्फ झलको राजस्थान ने। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आप लोग यूं ही प्यार और विश्वास। खमा गणी सा।